जोहार नमस्कार, आप दे रहे हैं जोहार गांव। और आपको बता दें कि आज अभी आए हुए हैं यहाँ दुमका जिला के काठीकुट प्रखंड। यहाँ पे तमाम स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं छात्र 60-40 का विरोध करते हुए यहाँ पे जाम किए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो जोहार। सबसे पहले तो जोहार। अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। मेरा नाम संजय किस्कू है और हम लोग छात्र हैं। आपके माध्यम से तमाम दर्शक को ये बताना चाह रहे हैं, आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो 60-40 के अवज में है। 60-40 का थोड़ा डिटेल थोड़ा कर दीजिए। जी हाँ, आपको आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो वर्तमान सरकार है युवाओं के साथ ठगने का काम कर रही है, इसका जो वर्तमान 2019 में इसका नियोजन नीति मुद्दा इलेक्शन का मुद्दा देखे, मैनोफेस्टो देखे, तो 1932 के तर्ज पे ये झारखंड के सत्ता में काबिज हुए थे। कहीं ना कहीं झारखंड बने हुए ये 22 साल हो रही है और यहाँ के जो छात्र हैं वो लोग को हमेशा सरकार ठगने का काम कर रही है, क्योंकि अभी तक नियोजन नीति ठीक से पूर्ण रूप से बना नहीं है। कोई भी सरकार आई, चाहे JMM आई, चाहे BJP आई, आज सुकाबिज हुई, तो सब ने झारखंड के युवाओं को ठगने का काम किया है। आज पूरा झारखंड संताल परगना में झारखंड बंद का छात्र के द्वारा आह्वान किया गया था, जिसके अवज में हम लोग 60-40 का विरोध करते हुए आज को हम लोग झारखंड संताल परगना बंद कर रहे हैं। और हम लोग सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार बाहर में अन्य देश में हमारा पड़ोसी राज्य में वहाँ के जो नियोजन स्थानीय लोग को नियोजित करने के लिए जिस प्रकार से नियोजन नीति बनाया गया है, जैसे बिहार में बिहारियों के लिए, उड़ीसा में उड़िया के लिए, पश्चिम बंगाल में बंगालियों के लिए, इसी तरह झारखंड में अभी तक झारखंडियों के लिए, झारखंडी हित के लिए अभी तक नियोजन नीति नहीं बनी है। सरकार हमेशा बाहरी लोगों को यहाँ न्योता दे रही है और हमारा कहीं ना कहीं हमारा हक को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के आप देखिएगा कि बाहर यहाँ आज 60-40 का जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध 60-40 हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ का जो रिजर्वेशन है, रिजर्व कैटेगरी जो कि 40% है, ये ओपन फॉर ऑल इंडिया के लिए है, लेकिन कहीं और इस तरह का नियम लागू नहीं है। जी नहीं, प्रत्येक आप देख लीजिएगा कि 18 पूरा हमारा 24 स्टेट में से 18 स्टेट में अपना अपना लोगों का अपने अनुसार वो लोग नियोजन नीति बना चुकी है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति। वहाँ थर्ड और फोर्थ ग्रेड के लिए वहाँ के उस जिला मतलब उस स्टेट के लोग को के लिए ही थर्ड और फोर्थ ग्रेड का जॉब वो सुरक्षित किया गया है, लेकिन झारखंड में वैसा नहीं हो रही। सरकार हमारे ठकने का काम कर रही है। आज हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप लोग के माध्यम से हम लोग सरकार के पास अपना आवाज़ को ये सुनाना चाह रहे हैं, अपना मुश्किल को हम लोग व्यक्त करना चाह रहे हैं कि हमारा जो 60-40 नीति है वो नहीं चलेगा। हम लोग मान कर रहे हैं झारखंड के 99% लोगों का जो नौकरी हो थर्ड और फोर्थ ग्रेड का, वो झारखंडी लोगों का हो। तो इसमें हम लोग आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रहे हैं, ये हमारा जो मांगे है उसको पूरा करें, अन्यथा हम लोग इससे भी ये जो छात्र आंदोलन है वो जन आंदोलन में परिवर्तित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्र के साथ उसका जो परिवार है, परिवार के लोग भी जुड़े हैं, आस जुड़े हुए, आस्था जुड़े हुए। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारा बात आपके माध्यम से उस तक पहुँचे और हमारा ये को ये करे, और अन्यथा जब जब युवा अपना आवाज़ को बुलंद किए हैं तब तक सरकार का कुर्सी हिला है, इसीलिए वो छात्र हित में पैसा ला करे और जो मौजूदा नियोजन नीति 60-40 है उसको तुरंत खारिज करते हुए वर्तमान में छात्र के हित के लिए, झारखंडी हित के लिए वो नया जन यहाँ पर नया नियोजन नीति पारित करे और जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया को शुरू करे। तो दादा, जैसे कि अभी नियोजन नीति के बारे में बताएं 60-40 का, अगर ये पूरा नहीं होती है तो इसके बदले में मांग क्या है आपका? अगर ये सरकार हमारी नया नियोजन नीति अगर नहीं बनाती है, इसी बड़ा हमारा उग्र आंदोलन करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम एडविन सोरेन है, हम यहाँ के समाज सेवी। तमाम झारखंड के जितना भी आदिवासी मूलवासी जो विधायक हैं उनसे आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम यहाँ के जितना भी MP MLA है ये बोलना चाहेंगे, केवल एक आरक्षित सीट है, जाके वहाँ राजगद्दी में केवल यहाँ ऐसे बैठने के लिए ना जाए, यहाँ के हितों के लिए बात करें, यहाँ के मूलवासी आदिवासी के लिए बात करें, ताकि यहाँ के लोगों को सही लाभ मिल सके। दादा, जैसे कि
ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ दादा साहब जैसे बताएं कि 60-40 का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, तो आपको जैसे दादा बताएं कि 60-40 का पुरजोर झारखंड में झारखंडी के लिए कुछ मतलब उस तरह का जो होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। आपके माध्यम से और तमाम दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं, हम लोग ये बात को समझना पड़ेगा कि हम लोग 60-40 को क्यों विरोध कर रहे हैं। 60-40 तो यहाँ के लोग के लिए आरक्षित है, और जो हमारा जो 40 होगा, 40 बाहरी लोगों उसमें जो कंपटीशन करेंगे हमारा अनरिजर्व्ड, कहीं ना कहीं हम लोग झारखंड पिछड़ा हुआ पूरा 28 स्टेट में झारखंड सबसे पिछड़ा में आता है, और वो पिछड़ा होने के कारण यहाँ का स्कूल का जो एजुकेशन का स्तर है वो निम्न स्तर पे है, सबसे चरम नीचे में है। तो कहीं ना कहीं सब लोग यहाँ पर आ कर के नौकरी करेंगे, कंपटीशन में बैठेंगे, तो यहाँ के ऑलरेडी है यहाँ के स्थानीय लोग वो पिछड़ जाएंगे, बाहरी लोग को मौका मिलेगा आएंगे, और वो यहाँ आने से क्या होगा कि यहाँ का जो झारखंड का डेमोग्राफी है वो बदलेगी। अब बदलने से क्या होगा, आज वो 3rd-4th ग्रेड में आएंगे, वो 20-25-30 साल के बाद यहाँ का स्थानीय के लिए अपना दावेदार करेंगे, और उसका जो पीढ़ी है यहाँ का ही हो जाएंगे। तो हम लोग ने जब झारखंड में झारखंड आंदोलन चला, हम लोग ने बिहार एकीकृत, बिहार से हम लोग ने अपना 46% भूभाग को अलग करके हम लोग ने नया झारखंड बनाया, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के हित के लिए हम लोग ने बनाया, लेकिन सरकार ने हम लोग को, युवाओं को विशेष करके ठगने का काम किया। हम तमाम जितना भी यहाँ पर आरक्षित सीट है, विधायक कहीं ना कहीं आरक्षित सीट से जाती है, वो हम लोग का आवाज़ को नहीं कर रहे हैं। बोला जाता है कि विधानसभा में जितना सदस्य जाते हैं कहीं ना कहीं 2-3 लाख उन लोग का आवाज़ है उसमें, लेकिन वो पूर्ण रूप से विधानसभा में ना रखते हुए अभी सरकार का, वर्तमान सरकार का भोपू बने हुए हम लोग को, छात्रों को सिर्फ वो ठगने का काम कर रही है, फुटबॉल बना रही, ये इसके पास भेज रही है, वो इसको के पास भेज, जैसे कि अभी बीजेपी वाला उसको हटाएं कि अच्छा मतलब हम लोग का नौकरी वोकरी का हर चीज़ वैकेंसी निकले, बीजेपी वाला को हटा के जेएम को लाएं, लेकिन जेएम भी वही काम मतलब कर रही है। जेएमएम से हम लोग का बहुत ही आस था, क्योंकि वो झारखंड से जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं वो भी हम लोग का जो मांग था, मांग में खड़े नहीं उतरे, और हम लोग को ठगने का काम कर रही है। इसीलिए हम लोग को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों लोग एक ही पार्टी में है, एक ही जैसे रोल कर रहे हैं, हम लोग को सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। फुटबॉल जैसा इधर से उधर मारा जा रहा है, फुटबॉल जैसे हम लोग को इधर से इधर मार रहे हैं, और ये आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को हम ये कहना चाह रहे हैं, आप लोग जितना भी हैं, आप लोग इस जन छात्र आंदोलन में आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि ये हमारा आने वाला भविष्य के लिए है। तो हम तमाम आपके माध्यम से कह रहे हैं, आप लोग से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग समर्थन दीजिए, और हमारा झारखंड को नया झारखंड बनाने के लिए आप लोग मदद कीजिए। धन्यवाद, ठीक है।